के फेमस सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में हम बात कर रहे हैं। बस सीरियल में सभी और ईशान की लव स्टोरी तो शुरू ही नहीं हो रही है कि उसके बीच में एक दूसरा विलन आ गया है। जी हाँ, इंस्पेक्टर पाटिल। और पहले तो उसने सभी को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने की कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की कि सभी को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन भाई सभी कोई आम लड़की नहीं है जो दो जो लटके झटके दिखाए और थोड़ा सा एक्शन दिखाए और लड़की इम्प्रेस हो गई। सभी तो भाई वो होने वाली IAS ऑफिसर है, खुद एक IAS ऑफिसर की बेटी है, उसने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे, बहुत सारे लोगों को देखा, इसलिए सभी इजीली किसी की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सभी है वो भंवर पाटिल उसके साथ तो अजीब बिहेव करता है, मतलब उसे ना भंवर पाटिल की बातें और उसके काम थोड़ा अजीब लगते हैं। अब लेकिन खुद भंवर पाटिल के SI ने आकर सभी को वार्न किया है कि आप भंवर पाटिल के बहकावे में बिल्कुल भी मत आए, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। साथ में एक और भी राज बताया है SI ने कि भंवर पाटिल जो है वो ईशान भोसले को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईशान भोसले बिल्कुल निर्दोष हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जब भंवर पाटिल सभी के साथ बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रहा था, सभी के घर जा रहा था, सभी के लिए कुछ कुछ चीज़ें लाकर दे रहा था, सभी के लिए दुकान खुलवाई, उसके बाद ही ईशान ने सभी को समझाया था कि तुम भंवर पाटिल के बहकावे में मत आना, क्योंकि भंवर पाटिल एक साइको टाइप का इंसान है जो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, ये बातें जो है ईशान ने सभी को समझाई थी, लेकिन सभी को कहाँ समझ में आती है बातें। हाल के दिनों में जब सभी को समोसे लेकर रेस्टो में खुद भंवर पाटिल ने ही एक इंसान को बोला था और खुद वहाँ पहुँच कर उसको रेड मार दी, और फिर क्या हुआ कि अब सारे पैतृराज मांगने लगे कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा, सभी का बेल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में भाई ईशान भोसले हीरो की तरफ एंट्री लेते हैं और सभी की बेल करा देते हैं, और इसी का जो बदला लेने का जो भूत है वो अब मन में बैठ गया है भंवर पाटिल का, और उसने ईशान भोसले को जेल के अंदर कर दिया है। जी हाँ, लेकिन सभी ये बात जानती है कि ईशान ने कुछ भी नहीं किया है। अब तो उसके SI ने भी बता दिया है कि ईशान भोसले जो है वो बेकसूर हैं, भंवर पाटिल उन्हें ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में वार्न भी कर दिया है कि सभी आप भंवर पाटिल के बहकावे में नहीं आइएगा। अब इसके बाद सभी क्या करने वाली है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।